तो गाय देख सकते हैं यहाँ पर एलविस के पापा जी को यहाँ पर घेर रखे हैं। अनिवार को देखो पकड़ के लेकर के आ रहे हैं गाय, देख लो रूफ जा भाई, गोविंद सिक्योरिटी के अंदर भाई देख लो गाय। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और गाय मेरी आंख में तकलीफ हो रही थी। क्या हो गया चप्पल? चप्पल कहाँ खोगी? आज चप्पल देखते हैं, चला आया मुबारक था, चल सब आ गया, चल जल्दी पे जल्दी तब लेके चलूँगा खेत पर। तो गाय सत्यम जल्दी जल्दी सैंडल पहन रहा है खेत पे जाने के लिए मेरे साथ। चप्पल चप्पल पता नहीं कहाँ डाल के आ गया, वो भी आ गया, वो भी चलेगा, देख आ जल्दी जल्दी आ, वो भी पहना सैंडल देख लो, सो वो सैंडल पहना तैयार हो खेत पे जाने के लिए कपड़े पहन के। तब तक ऊपर नया लेके आ गया और उधर देख सकते हैं सत्यम और अम्मा मस्ती चल। अब नहीं आ रहे, नया लड़का आ गया और फ्रेंड बताते, चल गेम चलते हैं, गेम में चलो गेम चलते हैं, काम करेंगे। घर में आ चुके हैं अपनी भैंस को यहाँ पर नहाने के लिए और जो यहाँ पर घाम पड़ रही है काफ़ी थे तो इसको नहा देते हैं जल्दी जल्दी से। फड़िया को नहीं नहाएंगे, भैंस को ही नहाएंगे, बाबा जी उधर बैठे हुए मस्त। तो गाय यहाँ पर सत्यम का फ्रेंड बोला आ चुका है और मस्त तरीके से यहाँ पर पढ़ाई चल रही है दोनों की। बोला इसको पढ़ा आराम से, चल पढ़ फत्ते चश्मा ला के। ये चश्मा ये तुम्हारा है। तो अम्मा भी आ चुकी हैं सुगम को खिलाने के लिए, उसको भी पढ़ाएंगे सुगम को। ये तू भी पढ़, दोनों पढ़ो, सब पढ़ो। गाय यहाँ पर एक फील हो चुका है, बाबा जी बता रहे हैं कि धान में पानी नहीं मिल रहा है। बाबा धान में पानी ना मिल दो क्यों? अरे मिल पाएगा चुनाव। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि एक दिन में धान में पानी मिल पाएगा, पता नहीं क्या होगा। अफसर दूसरे खेतों चल लो गए। गाय बम्मा तो बिल्कुल ही नहीं आता, ये समझ लीजिए हमारे यहाँ पर बम्मा की बहुत ज्यादा समस्या। बम्मा खुदे पड़े पानी बिल्कुल नहीं आता, बम्मा बम्मा होती है पानी ना पढ़ पढ़ क्या छोटा आ भैया मार मारे उंगली काट दो। देखो भूतो पढ़ रहा है पलना, सो देखिए छोटा बोल रहा है इसमें उंगली काटो मैं काटो मैं। सुबह आ गया है बाबा के पास, अब देखो अब रोटी देखे खड़ा हुआ खड़ा बाबा के ला रहा मस्त तरीके से। सही करने वाले हैं अपने बाबा जी का फोन जो कि हमने वीवो वाई 100 वीवो V27 प्रो और यहाँ पर जो है बाबा जी का। तो गाय हमने यहाँ पर बाबा जी का फोन सही करना है जो कि अपने यहाँ पर फोन रख लिया V27 Pro Y100। क्या चाहिए तुझे? ना नहीं इससे फोन खुलेगा सही करते हैं, इसमें अकाउंट चालू करते हैं। बाबा जी रेडी हो चुके हैं, अब जल्दी से गाय कपड़े पहनते हैं क्योंकि आज मुझे जाना है मीटम में, एलविस यादव के मीटम में जाना, सूर्या यादव आपका भाई एलएस यादव के मीटिंग में जा रहा है। तो आप लोग दोस्तों आज इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखना मेरे भाई, लाइक करना, बहुत ही मेहनत लगने वाली है, बहुत ही दूर जा रहा हूँ गाइस मैं अपने घर से, लगभग कम से कम मैं बताऊँ 1500 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई और लास्ट तक ब्लॉग को कंटिन्यू देखना। आज का ट्रैवल ब्लॉग बहुत ही शानदार और धमाकेदार होने वाला है। तो सबसे पहले यहीं से कपड़े पहन लेते हैं और खाना खा के फिर चलते हैं। खाना आ चुका है, खाने में खाते हैं यहाँ पर तोरई की सब्जी है, ये रहा हमारा मटर पनीर और ये रहे हमारे चावल। सत्यम भी खत्म, तू चलेगा भाई? सत्यम बोल रहा है जाने के लिए, सत्यम को ये नहीं पता है कि बहुत दूर है गाइस, काफी ज्यादा दूर है तो अभी सही नहीं है। तो धीरे धीरे सत्यम को मीटअप के लिए यहाँ पर रेडी हो गए हैं गाइस, अब चलते गाइस मीटअप में। तो ऐसा करते हैं पहले अपनी जो बाइक है ना उससे चलते हैं और बाइक को जो है फिर अपने रूम पे वहाँ पर खड़ा कर देंगे जो गोपाल का रूम है, वहाँ पर खड़े करने के बाद सीधे फिर ट्रेन से ट्रेन पकड़ने के बाद चलते हैं। सत्यम भी बोल रहा है मैं भी चलूंगा पापा। सत्यम बहुत दूर है बेटा, अभी नहीं ना, अभी नहीं तो बड़ा हो जाए तब चलेगा, ठीक है? तो गाइस सत्यम भी बोल रहा है जाने के लिए। तो आप सभी लोग वही आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना दोस्तों, क्योंकि अभी दोपहर के बज रहे हैं 11:30 और हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि दो ढाई घंटा जो हमें स्टेशन तक पहुँचने में लग जाएगा, उसके बाद फिर ट्रेन से भी सफ़र करना पड़ेगा। तो ये हमारा दोस्तों पहला ट्रैवल ब्लॉग, तो मीटअप के लिए गाय चलते जल्दी से, गोपाल भी रेडी हो गया है। तो गाय नीतू जी अभी यहाँ पर झाड़ू लगा रही हैं, तो गाय गोपाल भी रेडी हो गया और हेलमेट भी हमने ले लिया, चलते हैं मस्त तरीके से, पहले बाइक पर चलेंगे। तो गाय नीतू जी बोल रही हैं कि आराम से जाना और जनता का प्यार गाय सपोर्ट करेगी हमें, एक दिन किसी दिन हम भी दोस्तों सक्सेसफुल बनेंगे आप लोगों के प्यार से। तो सत्यम भी यहाँ पर बैठा हुआ जाने के लिए, सत्यम बोल रहा है कि पापा जी मैं भी चलूंगा, कहाँ से ले जाऊँ, ये बोल रहा है जाने के लिए जा रहा है। अब बड़े हो जाए तब, बड़े हो जाए तुम तब चलना आराम से जब अपने पास। तो गाय गोपाल भी आ गया है हेलमेट लेकर के, पहले हेलमेट लगा के चलते हैं गाइस, और साथ में गर्मी भी काफ़ी तेज बढ़ रही है। सत्यम तो गया घर में अंदर, तो हमारी गाड़ी के अंदर हो चुका है, साथ में मैंने यहाँ पर मोछा भी मार लिया क्योंकि गाइस गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। तो अब चलते हैं गाइस जल्दी से, अब नॉन स्टॉप चलेगी हमारी गाड़ी लगातार कम से 1 से 1.5 घंटा, हमें कहीं भी स्टॉप नहीं लेना क्योंकि फिर हमारी ट्रेन छूट जाएगी गाइस, क्योंकि ट्रेन गाइस 1 बजे की है तो लगभग हमें जल्दी पहुँचना होगा। जल्दी गोपाल फटाफट
हमने एक स्टॉप ले लिया यहाँ पर करीब एक फिर डेढ़ घंटा गाड़ी चलाने के बाद थोड़ा यहाँ पर रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि गाय अभी बहुत लंबा सफर हमें तय करना है। तो दो घंटे हो गए लगातार गाड़ी चलाते चलाते, तो गाय यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। गोपाल बोला कि भाई रोको लो कुछ खाया तो पिया नहीं, सुबह खाना खा करके आए, तो दो घंटा गाय हमें लगातार गाड़ी चलाते चलाते हो गया है। और अभी भी यहाँ पे स्टेशन लगभग एक घंटा और मान चलिए स्टेशन अभी इतनी दूर है, तो चलो थोड़ी देर आराम करते हैं उसके बाद। तो गाइस फाइनली हम जो है गोपाल के रूम पे आ चुके हैं और यहाँ पर जो अपनी गाड़ी को खड़ी करके बज रहे हैं गाइस अभी 12:30 और ट्रेन गाइस 20 मिनट रह गई है, तो जल्दी से इसको ऊपर करते हैं उसके बाद। तो गाइस हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी मस्त तरीके से। मेरे प्लान था बस से आने का मगर बस से नहीं आई क्योंकि बस से अगर आते तो काफ़ी लेट हो जाते और जल्दी नहीं आ पाते क्योंकि अब टाइम जो रह गया वो थोड़ा सा ही रह गया, करीब आधे घंटे का टाइम है। फिर चलते गए अपने ट्रेन का वेट करते हैं और सीधे निकलते हैं दिल्ली। है गोपाल का रूम मस्त तरीके से, यहाँ पर जो है खाट पड़ी हुई है और यहाँ पर जो है टेबल है पढ़ने के लिए, किताबें रखी हुई है बहुत सारी। क्यों गाइस मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आया हूँ गोपाल के रूम पर, काफ़ी दिन बाद करीब 2 साल भी लगभग गोपाल यहाँ पर जो है कंटिन्यू स्टडी कर रहा है लगातार मस्त तरीके से। यहाँ पर 2-3 बच्चे और भी हैं, तो गाइस मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर रूम देखा है इनका। तो गाइस भाई थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, करीब 1 घंटा भी बाकी रह गया है तब तक आराम करते हैं क्योंकि गाइस लगातार 2.5 घंटे से कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं मैं और गोपाल। गोपाल ने भी यहाँ पर दोस्तों सेट उतार दिया, वो भी बोला हवा रहे थे क्योंकि वो धूप गाइस काफ़ी तेज पड़ रही है। अब पानी भी पीते हैं, गोपाल पानी भर के लाओ बोतल में। एक फील हो गया हमारे साथ में, जैसे हमें पता चला कि ट्रेन हमारी काफ़ी दूर है, तो गाइस ट्रेन जो है बहुत जल्दी आ गई है, जल्दी जल्दी से फटाफट जल्दी गोपाल जल्दी सामान उठा फटाफट जल्दी लगा के भाई हमने ट्रेन पकड़ ली, यहाँ पर ट्रेन बैठ चुके हैं, करीब थोड़ा फाइट टाइम रह गया जल्दी से पहुँचा दो भाई। गाइस 3-4 किलोमीटर रह गई गाड़ी इसी में, स्टेशन पर यहाँ पर उतर चुके हैं, अब यहाँ पर फिर टिकट लेने वाले हैं सबसे पहले। अभी तो यहाँ पे कन्फर्म काफ़ी दूर है, गाइस लेट हो जाएंगे, ट्रेन आने वाली है, काउंटर पर जल्दी से लग के ला लो, शरीर से भी भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी भीड़ भाड़ है। जैसे टिकट लेने के लिए यहाँ पर आए और गोमती गाड़ी है वो निकल चुकी है, और यहाँ पर दूसरी ट्रेन का वेट करते हैं, लगभग 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी आएगी, वो गाड़ी तो निकल चुकी है। जो दूसरी गाड़ी के टिकट लेते हैं गाइस, दूसरी गाड़ी के टिकट ले लिए, यहाँ पर पहली गाड़ी वो निकल चुकी है, हमने बहुत कोशिश की भाग वहाँ पर जाने की मगर हम नहीं आ पाए, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है आज हम बहुत ज़्यादा लेट वहाँ पर पहुँच पाएंगे, जो जो भी है देखते हैं, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा 1-1.5 घंटे का लगभग। तो गाइस गोपाल बोल रहा है मेरा धूप पड़ रही है खतरनाक तरीके से, धूप पड़ रही है, दोपहर के बज चुके हैं 2, एक ट्रेन तो हमारी निकल गई, दूसरी ट्रेन का वेट करते हैं आधे घंटे बाद। पूरा स्टेशन यहाँ पर गाइस देख सकते खाली पड़ा हुआ, जो ट्रेन आई थी वो सब सवारी भर के ले गई, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, अगर इस ट्रेन में नहीं बैठी तो गाइस फिर तो जाना हमारा मुश्किल है आज मीटअप के अंदर। चलो तो गाइस यहाँ पर जो गोपाल को काफ़ी तेज भूख लग रही थी, गोपाल बोला कि चिप्स खाएंगे, कौन सा चिप्स है गाइस? लेजी वाला चिप्स है, मस्त है फिर गाइस, कुछ तो और खाया नहीं है, चिप्स ही खा लेते हैं। गाइस हमारी जो है गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, जिस गाड़ी के अंदर हम जाने वाले हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, फाली जो गाड़ी है इस गाड़ी के अंदर बैठ के जाने वाले हैं, करीब पे हमें 1 घंटा हो गया है, गाड़ी जाएंगे यहाँ पर आ चुकी है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो हमें उतारेगी दिल्ली। यहाँ पर पहाड़ बना दिया, हमने सोचा कि जो डिब्बा है जनरल वाले आगे है, एफ अलगरा के चंदा डिब्बा जो है वो आई पीछे है, तो पीछे की तरफ हमको जाना पड़ रहा है दोबारा से, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है गाइस। फाइनली जो है ट्रेन के अंदर चढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा है और गाइस हमें लगभग देख सकते गाइस चंदा डिब्बे के है, जो पहली वाली गाड़ी थी यहाँ पर निकल चुकी है, दूसरी गाड़ी के अंदर यहाँ पर जा रहा है गोपाल भी यहाँ पर जो मस्त तरीके से खड़ा हुआ है। ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है ये समझ लीजिए, करीब 2 घंटा हो गया है लगभग ये समझ के चलिए गाइस, अभी कितना टाइम लगेगा ये तो मुझे पता नहीं है, और अभी भीड़ बरकरार है गाइस, गाड़ी है नॉन स्टॉप चल रही है लगातार, अभी 1 घंटे बाद जब तक 1 घंटे का वेट कर लेते हैं। फाइनली 3 घंटे के सफर के बाद जो है अब तरह से फाइनली स्टेशन पर यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर नई दिल्ली हम आ चुके हैं, यहाँ से हमें जाना हुआ गुड़गावा सेक्टर 38 के अंदर, गाइस चलते हैं अभी जो है मेट्रो भी यहाँ पर हमको पकड़नी होगी, गाइस बहुत ही हालत खराब है गाइस, पानी नहीं पीते थोड़ा। तो गाइस आप हमको लग रही है बहुत ही प्यार, गोपाल बोला कौन चाहिए भीड़ है यहाँ पर, गाइस देख सकते हो भीड़ भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से भीड़ है, पहले भीड़ खाली हो रहे थे उसके बाद जाते हैं हालत खराब हो गई गाइस, मैंने पहली बार बहुत ही कर रहा है यहाँ पर सफर किया है बहुत तरीके से गाइस मामले की तरह। गाइस हम बैठे हुए हैं न्यू दिल्ली के अंदर और अपने जो है चाचा जी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में चाचा जी आने वाले वो भी हमारे साथ चलेंगे, तो तब तक इंतजार कर लेते हैं, और हमें जो है मेट्रो पकड़ना है, मेट्रो पकड़ के सीधे जा रहा होगा गुड़गांव। तो गाइस ये रही न्यू दिल्ली, चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर, यहाँ पे जो है टिकट लेने वाले हैं और नीचे यहाँ पर टिकट मिलेगी, और हमारे अंकल भी यहाँ पर आ गए 5 मिनट के अंदर, तो गाइस 3 टिकट लेने वाले हैं, इधर जो टोकन मिलेगा फिर टोकन लेने। तो गाइस यहाँ पर जो है पहले टोकन ले लेते हैं, टोकन के लिए यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा टोकन लेने, अभी लाइन में लगे पड़े हैं टोकन लेने के लिए, करीब 1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे, अभी तो लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है भाई, बहुत भीड़ लगने वाली है।
तो गाइस हमने आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ पर जो है मेट्रो अभी ए वाली आ गई है, उसके बाद इधर वाली जो मेट्रो आएगी उसमें हम बैठ के जाएंगे मेट्रो के अंदर। अभी जो है लगभग एक घंटा और लगने वाला है बेटम पे पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुतुब मीनार, सुल्तानपुर और उसके बाद अरजनगढ़, सिकंदरपुर, चौक यहाँ पे काफ़ी देर लग चुकी है मेट्रो में। सुबह से शाम तक हो गया है और अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं बेटम में। तो एक घंटा और इंतजार करते हैं, उसके बाद बेटम में पहुँचते हैं। तो गाय जब आ चुके हैं हम सीधे गुड़गांव के अंदर बेटम में मेट्रो स्टेशन के बाहर, और ये रहे हम उतर, और ये रहे सामने टेम्पू। यहाँ पे टेम्पू लेते जल्दी से, चुके हैं देवीलाल स्टेशन के लिए। भाई टेम्पू यहाँ पर बहुत ही जा रहे हैं, देवीलाल यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ भी है और टेम्पू सभी जगह पर। जो हम पहुँच चुके हैं अभिनंदन समारोह के अंदर, भाई सुने हुए बहुत ही थक गए, अब कहीं जा करके अभिनंदन समारोह भाई साहब यहाँ पर मिला है एल्विस भाई का। तो इसके अंदर चलते हैं और एंट्री लेते हैं। भाई यहाँ पर फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, मस्त चेकिंग चल रही है, गोपाल की चेक ओवर को चलते हैं। और यहाँ पर जो भाई की चेकिंग करवाता है भाई, फोर्स भी काफ़ी है, सिक्योरिटी हाई लेवल की है। तो चलते हैं भाई, भीड़ तो बहुत तगड़ा है, फोर्स यहाँ पर लगा हुआ भाई, बहुत भीड़ भाड़ ज़्यादा है भाई, काफ़ी भीड़ भाड़ है भाई, भाई देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है मेटअप के अंदर। भाई बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है, बेशुमार पब्लिक है भाई, मार्केट यहाँ पर लगा हुआ, देख सकते भाई, देख सकते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से, बहुत ही ज्यादा। तो गाय देख सकते हैं यहाँ पर मरोड़ा जी, यहाँ पर सीएम जो है हरियाणा के, वो यहाँ पर एलविस भाई के साथ यहाँ पर जो है वार्तालाप कर रहे हैं और समझा रहे हैं। तो गाय देख सकते हैं यहाँ पर जो है एलविस भाई और मनोहर खट्टर लाल, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है मीटिंग चल रही है। और गाय प्रतिभा नहीं है, आप अच्छे काम करेंगे, जो भी आपको संस्कार मिलते हैं उस नाते से आप बढ़े। हमारे युवा, बहुत युवा कुछ गलत रास्ते पर चले हैं, उनके प्रति आप। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो एलविस भाई यहाँ पर बोलने वाले हैं, और साथ में गाइस मोरवा खट्टर जो सीएम थे, अब एलविस भाई यहाँ पर आज तो गाइस देख सकते हैं एलविस यादव का फैन यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर अपने पापा जी के बैठ के वीडियो बना रहा है भाई। यहाँ पर कुछ नहीं देखने को, सुनने को ही मिल रहा है, बस देखने को कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत दूर से ही हम यहाँ पर लगभग वैसे चलते चलते अब कहीं जाकर बहुत ही भीड़ भाड़ है गाइस, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में सिस्टम भाई, बहुत ही यहाँ पर खड़ा हुआ है मस्त तरीके से। हम और देख सकते हैं हमें अभिनंदन समारोह चल रहा है यहाँ पर एलविस भाई का, भाई भीड़ भाड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही खचाखच स्टेडियम बड़ा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा गाइस आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेडियम यहाँ पर बड़ा पड़ा है। तो गाइस देख सकते हैं एलविस की मम्मी जी यहाँ पर आ चुकी है कुछ बोले की। तो गाइस एलविस की मम्मी यहाँ पर आए, कुछ बोलेंगे आप सुनना ध्यान से। काफ़ी दूर यहाँ पर खड़े हुए, हमें तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा, बस सुनने को ही मिल रहा है। यहाँ से आप लोग भी देख सकते हैं, मेरे साथ बोलिए एल्विस, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना जो फेमस गाना है, और एल्विस भाई का अभी एक गाना और रिलीज हो रहा है, आप एल्विस भाई ये देखो ये लाइटें तो जला रखी है, ये वो आदमी है जिसने हरियाणा का, आप लोग सुन सकते हैं मैं तो बहुत दूर खड़ा हूँ गाइस, देख सकते हैं आप लोग सपोर्ट करना मेरे भाई को, बहुत दूर से चल के आया आपका भाई, ये सब ये बहुत दूर से सुबह से चल के आया, मैंने आपको मेटा दिखाया है अभिनंदन समा। तो गाइस ये भाई देख सकते हैं कटारिया कटारिया चिल्ला रहे भाई, एलविस याद हो नहीं है वहाँ पर स्टेज के अंदर, और भाई का एंजॉयमेंट काफी ज्यादा, काफी फैन बोल है कटारिया एलविस याद कोई नहीं है भाई, तो गाइस देख सकते हैं अभी स्टेज यहाँ पर खाली हो चुकी है, स्टेज बंद हो गई थी, अब पब्लिक जो है भाई आया भाई 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 आज ही चैनल बनाऊंगा। तो गाइस देख सकते हैं हरफ एनिवाल को देखो पकड़ के लेकर के आ रहे हैं गाइस, देख लो गाड़ी के अंदर गाइस देखो भाई, ओ भाई भाई देख सकते हैं गाइस रूफ दे भाई गोविंदा सिक्योरिटी के अंदर भाई देख लो, सीधे घर यहाँ पे जो है ऑटो पकड़ते हैं या टेम्पो पकड़ते हैं सीधे दिल्ली मेट्रो के लिए, मेट्रो से सीधे घर पर आ चुके हैं, बहुत ही यहाँ पर हमको भूख रहे हैं, खाने के लिए गाइस कुछ नहीं, यहाँ पर जो है पेप्सी की बोतल है और साथ में मोमोज वगैरह, तो ये चीज़ नहीं खाना कर दी काफ़ी देर बजे, पेप्सी भूख रही है। तो गाइस हमने ले लिया यहाँ पर माया की बोतल साथ में कुछ ना, उसके बाद स्टेशन जल्दी है और टिकट भी हमारी। तो गाइस हमने यहाँ पर टिकट भी गाइस जिसको यहाँ पर लगाएंगे तभी ये खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा गाइस, खुल गया है, खुल गया गाइस। तो गाइस ऊपर गोपाल तो गया लिफ्ट के साथ, अब मैं भी यहाँ पर लिफ्ट के साथ गाइस लिफ्ट के साथ देख सकते हैं गाइस,
मस्त तरीके से ऊपर भोपाल तो ऊपर गया। खत्म होने के बाद सीधे घर जा रहे हैं। हमने आपको जो टिकट ले लिया पानी मेट्रो का, यहाँ पर इंतजार करते हैं मेट्रो आने वाली है, सीधे नियम के लिए मस्त तरीके से जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे लिए सीट भी मिल चुकी है, पिछली बार हमें सीट नहीं मिली थी, मस्त भाई खड़ा हो गया ना बड़ा, अगली बार सीट मिल गई है, वो भाई सवारी बैठ चुके हैं। गाइस फाइनली आज पूरे दिन घूमते घूमते ये समझ लीजिए हालत बेकार हो चुकी है और मैं काफ़ी यार थक भी चुका हूँ। और यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं अपने चाचा जी के रूम पर मस्त तरीके से, अब यहाँ पर है आराम से रात को बैठेंगे सोएंगे। और गाइस कल सुबह है निकल जाएंगे आराम से घर पर। तो सामने आप लोग देख सकते हैं ये है मेट्रो स्टेशन जो कि आप देख पा रहे होंगे सामने न्यू दिल्ली का। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट्स हैं यहाँ पर जो लोग वहाँ रह रहे हैं, और हम जो अंकल जी के रूम में हैं। तो गाइस गर्मी काफ़ी तेज़ पड़ रही है तो हमने यहाँ पर मीटिंग को अटेंड किया आज। तो आप सभी लोगों को दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना, और अपने भाई को दोस्तों लाइक करना, सूर्या भाई को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन बताना कि आपके भाई ने आज काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। मेरा ये लाइफ का पहला फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग था दोस्तों, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। आपके लिए फिर बढ़िया बढ़िया धमाकेदार वीडियो और ब्लॉग्स आपके लिए कंटिन्यू यहाँ पर आते रहेंगे। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं कितने का है, अभी लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेट्रो भी यहाँ पर बंद हो चुकी है, अब कोई मेट्रो यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि 11:30 बजे का टाइम होता है मेट्रो का। तो यहाँ पर मेट्रो फाइनली बंद हो चुकी है, तो हम अभी भी यहाँ पर जो है रूम के अंदर बैठे हुए फिर थोड़ा सोएंगे, और खाना पीना तो हमने यहाँ पर खा ही लिया है।